उत्तर प्रदेश में अब होगी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना, और ग्राम सचिवालय की स्थापना के साथ ही यहाँ पर 58,000 प्लस उम्मीदवारों को यहाँ पर नौकरी भी मिल जाएगी। भाई नौकरी तो इस संविदा की है, लेकिन अगर आप जो है संविदा पर लगते हैं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चांस आपके बने होते हैं कि आपको गवर्नमेंट जो है कल परमानेंट भी कर दे। अब यहाँ पर पूरी जानकारी लेकर आए हैं ये कौन सा पद है और यहाँ पर आपके लिए योग्यता कितनी है, आयु कितनी होनी चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपसे साझा करने वाले हैं। क्या लास्ट डेट है और भर्ती प्रक्रिया कितने दिन में ये पूरी होने जा रही है। देखिए, जो नोटिफिकेशन एक तरह से दिया था, ये दिया था किसके लिए भाई, समस्त जिला अधिकारी के लिए, और किसने दिया था, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, 25 जुलाई 2021 को जारी किया गया था, और विषय था ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों की स्थापना के विषय के संबंध में। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले इन्होंने पदों की संख्या दे दी है, वो हम पहले ही बता चुके हैं। 58,000 प्लस की जो बात है वो हम यहाँ पर बता चुके हैं, लेकिन हम आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं, जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उनसे अवगत करा देते हैं। तो जो यहाँ पर सबसे पहला आपके लिए मेन पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 देखिए। पॉइंट नंबर 9 क्या है, पंचायत सहायक, मतलब जो आपका पद है वो पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन की आवश्यकता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, ग्राम पंचायत कार्यालयों को पूर्व में संचालित करने के जो प्रयास किए गए हैं वो पूर्ण सफलता के साथ लागू नहीं हो पाए, क्योंकि प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत हैं, अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन की उपस्थिति संभव नहीं है। ग्राम सचिवालय के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी कार्यालय के दिन प्रतिदिन संचालन के लिए तैनात हो। इस क्रम में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती आवश्यक है। तो पद का नाम आपका पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर है। अब यहाँ पर प्रक्रिया क्या है भाई, देखिए, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी, और यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी। सूचना के प्रसारण हेतु डूंगी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायतों में कराई जाएगी, मतलब सर्व समाज को जो है सूचित किया जाएगा कि भाई ये जो है आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय, मतलब अपने ब्लॉक पर, अथवा जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय अथवा विकास खंड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब अगर ग्राम पंचायतों में जमा नहीं होते और आप जो हैं करा के आ रहे हैं कहाँ पर, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में, तो वहाँ से 7 दिन के अंदर ये जो है किसे दे दिए जाएंगे, ये ग्राम पंचायतों को दे दिए जाएंगे। आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे, और ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक समिति हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी, और सूची में सबसे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। मतलब जो आपकी मेरिट बनेगी एक तरह से आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो है नंबरों के आधार पर आपका यहाँ पर चयन होने वाला है। चलिए, चयन की बात हुई है, अब यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त कर सकेंगी। मतलब ये पद जो है सृजित किया गया है वो 1 साल के संविदा पर आपको रखने के लिए किया गया है। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा एक संविदा पर रखे जाने वाले चयनित
व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र की प्रति जिला पंचायत राज्य अधिकारी को रिकॉर्ड हेतु भेज जाएगी। एक वर्ष की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और साथ ही एक वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम पंचायत की खुली सभा में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा का वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। मतलब क्या है कि या तो नई प्रक्रिया के तहत अगले साल दूसरा कैंडिडेट रखा जाएगा, नहीं तो जो पहले से है उसे भी अगले साल रखा जा सकता है और अधिकतम 2 वर्ष के लिए रिन्यू हो सकता है, नहीं तो फिर वो नई प्रक्रिया के तहत दोबारा से फार्म भरेगा। यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यता की, तो देखें यहाँ पर इन्होंने कहा है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। मतलब आप जो है इंटर पास होने चाहिए। आयु की बात करें तो आपकी 18 से 40 साल के बीच आयु होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को यहाँ पर 5 वर्ष तक की छूट देने का प्रावधान किया गया है। साथ साथ जो भी कैंडिडेट रखा जाएगा वो देखिए यहाँ पर क्या है, अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो। एक तरह से उत्तर प्रदेश के मूलतः निवासियों के लिए ही ये पद जो है वो आरक्षित किया गया है, ये पद बनाया गया है। अगर आगे हम बढ़ें और आपके लिए जो मानदेय जो मेन चीज़ है भाई पैसा, तो पैसे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मानदेय की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इन्होंने क्या मानदेय के लिए लिखा है। यहाँ पर इन्होंने कहा है संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में 6,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा। मतलब आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 6,000 रुपये प्रति माह की होगी और साथ साथ 2 महीने के अंदर आपका प्रशिक्षण जो है वो पूरा करा दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी है। अब बात कर लेते हैं कि भाई डेट वगैरह क्या है, कब तक जो है आपके आवेदन ले जाएंगे, कब से कब तक आपके आवेदन ले जाएंगे और कब ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी होने जा रही है, उन सारी चीज़ों को भी अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के समय सारणी क्या है भाई। पहला, ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जो दी जाएगी वो दी जाएगी 30 जुलाई 2021 से 1 अगस्त 2021 तक। मतलब 30 और से 1 तक 3 दिन का जो समय सूचना के लिए रखा गया है। फिर यहाँ पर जिला पंचायत राज्य अधिकारी कार्यालय विकासखंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की जो है तिथि दी गई है 2 अगस्त से 17 अगस्त के बीच। इसके बाद जिला पंचायत राज्य अधिकारी कार्यालय और विकासखंड कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायतों को 18 से 23 अगस्त के बीच भेज दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपकी मेरिट बन जाएगी 24 से 31 अगस्त के बीच। इसके बाद जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रशिक्षण एवं संस्तुति हो जाएगी और 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये कार्य समाप्त कर दिया जाएगा और नियुक्ति दे दी जाएगी आपको 8 सितंबर से 10 सितंबर के मध्य। तो लगभग 1 महीने में आप जो है पूरी प्रक्रिया पूरी करके अपनी नौकरी प्राप्त कर चुके होंगे। तो अभी तक के लिए ये जानकारी निकल कर आई है। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए, नेक्स्ट जानकारी तक के लिए धन्यवाद।